तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और बज गए हैं 6:15। तो मैं निकलने वाला हूँ थोड़ा सा आज जंगल की तरफ, क्योंकि कल सनराइज़ और सनसेट का आपको व्यू मिल गया था। तो आज थोड़ा सा आपको दिखाता है जंगल का व्यू, तो जंगल में कैसा होता है क्या होता है, तो उसकी तरफ चलते हैं। और ये जाता है मार्केट दुकान दूध पोखरा की तरफ, और ये वाला रास्ता रहता है आगे जंगल की तरफ छिड़ा पानी। जा घर जा घर जा घर जा घर जा जल्दी जल्दी। तो यहीं से जो है जंगल स्टार्ट हो गया, और यहाँ से थोड़े छोटे छोटे जो पेड़ हैं जिनमें अभी नई पत्ती आ रखी है, नई कोपले खिले, तो ये कुछ व्यू है। तो पास में जंगल होने का एक फ़ायदा भी है कि आपको जो है गाय के लिए चारा वगैरह के लिए ज़्यादा दूर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ पे आप आ भी सकते हैं गाय को चुगाने के लिए। तो सनराइज़ हो चुका है, उसका आपको व्यू दिखाते हैं। सनराइज़ तो नहीं दिखा, लेकिन जो धूप अभी फैली है वो दिखाते हैं। सनराइज़ यहाँ ऊपर होगा और धूप को आप दिखा देते हैं आपको। तो सामने वाली चोटियों में धूप आ चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, ट्रैकिंग करने का मज़ा मॉर्निंग पे आता है, क्योंकि सुबह की जो ठंडी ठंडी हवा है वो आपके शरीर को लगती है और आपको बहुत ज़्यादा स्वस्थ बनाती है। तो ऐसा ही कुछ है। तो अब आपको देखने को मिलेंगे यूं ही बड़े बड़े पेड़, और मैं काफ़ी अंदर तक पहुंच चुका हूं, और थोड़ा और बाकी है, फिर आपको दिखाते हैं जल स्रोत जहां से गांव में पानी की आपूर्ति होती है, जिस जल स्रोत से, और जंगल भी दिखाऊंगा। काफ़ी खूबसूरत जंगल है हमारा। नीचे नदी जल स्रोत है, और इसी जल स्रोत के थ्रू आपको जो गांव का पानी है वो मिलता है, और यह है छिड़ा पानी तक की रोड। और बांज, बुरास, उतीस, फ्लैट, तो बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जो यहाँ पे हैं और जल की कमी को पूरा करते हैं। सबसे ज़्यादा जल की कमी पूरा करने के लिए यहाँ पे ये उतीस है, बांझ है, बुरास है, इनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी रिसता है। और जहाँ पे ये पेड़ होते हैं वहाँ पे जो है जल स्रोतों की कोई कमी नहीं होती। जिस तरह जल हमारे लिए ज़रूरी होता है, उसी तरह ये जल जो है पेड़ पौधों के लिए भी ज़रूरी होता है, और यही कारण है कि इनके लिए जो जल है वो ये जल स्रोत होते हैं वो इनके ही पेड़ों के कारण होता है, और यही इनके काम से आता है। तो जल का संरक्षण तो ज़रूरी है ही, इसके साथ साथ आपने जंगल का भी संरक्षण करना ज़रूरी है। और अगर आप जंगल को सुरक्षित करेंगे तो आपको जल की कभी कमी नहीं होगी।
अगर बात करूँ यहाँ हमारे क्षेत्र पे जंगल को सुरक्षित रखने की, तो यहाँ की गांव की महिलाओं द्वारा इस पे बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया गया और अपने जंगल को बचाया गया है। और यही कारण है कि आज आपको देखने को मिलेगा इतना खूबसूरत जंगल। तो जो है दोस्तों, तो इतना खूबसूरत जो आपको जंगल यहाँ पे दिख रहा है वो यूं ही नहीं बना है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की गई है। जी हाँ, तो यहाँ महिला मंगल दल द्वारा इसको संरक्षण के लिए काफ़ी बार बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। जिस तरह चिपको आंदोलन हुआ था जंगल संरक्षण के लिए, उसी तरह यहाँ की महिलाओं द्वारा जो है जंगल को कटने से रोकने के लिए बहुत बार यहाँ पे ग्रामीण वासियों को रोकने के लिए, बाहर से आने वाले लोगों को जंगल काटने से रोकने के लिए तो बहुत बार प्रदर्शन किया गया है। तो इसके लिए उस समय बहुत ज़्यादा सुविधाएँ तो नहीं थी, लेकिन मैंने जब मैं छोटा था तो मैंने बहुत कुछ देखा था कि लोग यहाँ पे आते थे जंगलों में, जंगल बांस काट के ले जाते थे, तो कच्ची लकड़ियाँ काट के ले जाते थे, तो वो लोग आते थे और उनको रास्ते पे ही रोक के उनको समझाते थे कि जंगल का इस तरह कटान नहीं करना चाहिए। और वही कुछ था कि आज आपको देखने को मिलेगा बहुत ही खूबसूरत जंगल, और यही खूबसूरत जंगल आज जो है ईंधन का साधन भी बन रहा है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी सुविधाएँ नहीं थी, ये रोड की सुविधाएँ भी मिल चुकी हैं यहाँ, लेकिन इसके होने से भी थोड़ा सा नुकसान है, क्योंकि जो लकड़ियाँ होती हैं वो काट के अब लेके जाते हैं तो सीधे गाड़ी में ही लेके जाते हैं, तो उसके रोकथाम के लिए भी प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी बहुत कम हो गया है। लेकिन अब तो आपको देखने को मिलेगा जंगल क्षेत्र में जो यहाँ पे है सुविधाएँ हैं लकड़ियों की, वो कम हो गई है, और जो पत्ते वगैरह की सुविधाएँ हैं वो भी कम हो गई है। तो धीरे धीरे जो जंगल के सोर्सेज थे कम हो रहे हैं, क्योंकि रोड कटान से आपको दिखाते हैं कितना नुकसान होता है। चलो आओ, तो रोड से सुविधाएं तो मिली, उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे ये पेड़ पौधे जो नष्ट हो चुके हैं रोड से। जी हाँ, तो ये रोड कटने की वजह से नीचे गिर गए थे, तो और ये उसके बाद ख़राब हो जाते, तो और आपको और दिखा, तो ये देखिए जड़ से उपाड़ हुआ है इनका इस तरह से। तो जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई सारे पेड़ हैं जो अच्छे खासे हैं, लेकिन वो जड़ से उखड़ के टूट गए हैं। तो ऐसा ही कुछ है, आपको रोड की सुविधाएं तो मिलेंगी, उसके साथ साथ बहुत सारे नुकसान भी देखने को मिलते हैं। रोड साइड के जो पेड़ हैं वो टूट जाते हैं, देखेंगे ऊपर की तरफ अभी आपको दिखाऊँगा जंगल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ों को पत्तियों को काट दिया गया है, और वो भी गाय के चारे के लिए। तो वो देखिए, आपको इन पेड़ों पे, ये देखिए ये पेड़ है, इन पे पूरी पत्तियाँ गाय के चारे के लिए उपयोग में लाई गई हैं, तो ये पूरे से काट दिया। तो अभी होती है गर्मी, तो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और इसी कारण से जो है यहाँ पे पानी की धीरे धीरे गर्मियों पे पानी की कमी होती है। तो जल स्रोतों पे पानी तो है अभी, लेकिन कुछ समय बाद यह पानी भी कम हो गया है, और अभी आने वाले कुछ वर्षों में और भी पानी की किल्लत होने वाली है। तो ये है हमारा गांव, और धूप अभी फुलारा गांव तक पहुंची है, तो अभी आने में धूप को एक घंटा बाकी है, तो तब तक हम देखते हैं मार्केट का नज़ारा। सामने आप देख रहे होंगे चंपावत का नज़ारा, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और धूप जो है पहुंचने वाली है अभी। तो इसी नज़ारे के साथ आप देखिए चंपावत का नज़ारा।